फाइन ओके चलो इंडिया में तो हूँ एटलीस्ट। शियान तो खुद ही लेट गई, शियान तो इंडिया में ही नहीं है। शियान आपको किसने मोटिवेशन दिया कि आप दुबई से इंडिया आओ? ये रखा है बीच में लड़ते हो और दोनों लड़के के लिए लकड़े के लिए। गाइस मैंने अभी बैठे बैठे ये जीन्स खोला था साइड से, मतलब ये वाला ज्यादा नहीं खोला था, जितना ये खोला है उतना बेटर था। अभी ध्रुति पहन के घूम रही, ध्रुति को डेयर मिला है बाहर तक वॉक करके आने के लिए। आप लोग स्मेल मत लो, आप लोग बस देख के चलो, हम खा रहे हैं अच्छे से, मैं तो खाऊ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह से ही कर रहे थे काम, यहाँ पे लंच भी हो चुका है खत्म। सोचोगे ना इतना कैसे साफ है लंच, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ब्रेड था। इसे पुअर पीपल ईट ब्रेड, रिच पीपल ईट ब्रेड गाइस। ओ माय गॉड, आप लोगों को पता है हम लोग के 3 फैकल्टीज तो छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं हम लोग को पढ़ाएगा कौन कॉलेज में। एक सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर है, दैट टू बी एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी, बाकी तो जा रहे हैं। हम लोग बस सोच में डूबे कि हम होगा क्या आगे। मेरे को अच्छे से जलन हो रही है गाइस, बताओ क्यों मेरे को जलन हो रही है? आप अपनी शक्ल दिखाना चाहेंगे, इतनी प्रिटी हो आप, शक्ल छुपा रही हो आप, शक्ल छुपा के आप ये क्या दिखा रही हो? ये क्या है, कौन सा है? ऑस्ट्रिच? नहीं, ओ तू तो ऑस्ट्रिच है ना, इधर देख। हाइट के वजह से इधर तो देखो। मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को जलन हो रही है तेरे से। तू घर जा रही है ना, एक तो तेरा घर इतना पास, हमारा घर है नहीं इतना पास कि हम चले जाएं उड़ उड़ के। किसने बोला तू उधर से इधर उगांडा में आके पढ़ने के लिए? क्या करूं, एक बेटर फ्यूचर के लिए घर छोड़ के बढ़ना पड़ता है आगे। दृश्य अच्छा, मेरा तो चलो ठीक है, मेरा तो फाइन ओके चलो, इंडिया में तो हूँ एटलीस्ट। शियान तो खुद ही लेट गई, शियान तो इंडिया में ही नहीं है। शियान आपको किसने मोटिवेशन दिया कि आप दुबई से इंडिया आओ? गूगल। ध्रुति तो घर ही नहीं जाती, कितनी भी चांस मिल जाए ध्रुति घर ही नहीं जाएगी। इग्नोर करा जा रहा है मेरे को, इग्नोर कर रही हो कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है? क्या देख क्या रही हो? व्हाट आर यू वॉचिंग? बॉयफ्रेंड? ध्रुति का एक बॉयफ्रेंड होता हूँ गाइस, और ये दोनों लड़ते रहते हैं उसके लिए। बोलो। हाँ लड़ते हो ना आप, ये रखा है बीच में, लड़ते हो और दोनों लड़के के लिए लकड़े के लिए। ओहो गाइज, ये मैं अपनी लेके आ गई हूँ एक जीन्स जो मैं पहनती नहीं हूँ अभी, और इसका बनेगा जैकेट, वो आप लोग देखना कैसे बनेगा। अभी इसको पहले खोलते हैं, खोलने के लिए लेके बैठी हूँ अभी मैं। काम धंधा तो कुछ और है नहीं, मतलब ये भी काम धंधा, ये कॉलेज का ही है वैसे भी, ये तो करते हैं और जैकेट बनाते हैं। सारे के सारे बैग रखने आ रहे हैं ताकि सीट बुक हो जाए हमारी। गाइज मैंने अभी बैठे बैठे ये जीन्स खोला था साइड से, मतलब ये वाला ज्यादा नहीं खोलना था, जितना ये खोला है उतना बेटर था। अभी ध्रुति पहन के घूम रही, ध्रुति को डेयर मिला है बाहर तक वॉक करके आने के लिए, उसने जीन्स के ऊपर जीन्स डाला है। लेकिन उसके उसमें समझ नहीं रहा। कैंटीन जाना है हमको। कैंटीन चप्पल पहन के आइए। चलो आपने डेयर कर लिया, समझ नहीं आ रहा इसका मैं जैकेट बनाऊं कि इसको ऐसे ही रहने दूं और ऐसे ही पहने घूमेंगे। नहीं नहीं यार, पूरा नहीं खोला, सिर्फ साइड से खोला है। ग्रोसरी शॉपिंग चल रहा है गाइस, चावल दाल तेल और अंडा। खुशी ने एक इन्वेंशन करा है गाइस। हाँ मेरे को अभी इतने अच्छे से आके बोलती, तेरे को पता है प्रिया मेरे को एक ट्रिक मिल गई। बोलो ना क्या ट्रिक? कि प्याज काटने से पहले उसको ऐसे पानी में डाल दो तो आंसू नहीं आते। ये आप कहीं मुगल के जमाने में थी, फिर आप अभी निकल के आई तब आपको पता चल रहा है कि ऐसा भी कुछ होता है। गधी होता है, देखो आज गेस करो गाइस क्या बन रहा है। चन चना देखो इतना सारा प्याज किसके लिए, कुकर में बन रहा है। चन चना चिकन आज बन रहा है, चिकन घर पे बन रहा है। चिकन और यहाँ पे इतना सारा सामान सब आ गया, गार्बेज बैग, दूध, कॉफी, माजा, एग और क्या क्या बाकी सब सामान रख दी।
राइस वाइस आया था वो सब रख दिया। चिकन देखो गाइस, चिकन इतना ज्यादा टेस्टी भाई साहब। भाई मेरे को पता नहीं था तू मेरे से इतना अच्छा सीख जाएगी। ओह माय गॉड, मेरे को खुद पे यकीन नहीं हो रहा है। ये तू भी एक मुर्गी लग रही है। कल तेरा चिकन बनाऊंगी, याद रखना। भाई साहब इतना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। भाई स्मेल जो आ रही है ना गाइस, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि काश आप लोग भी वो स्मेल ले पाते हैं, बट कोई ना। आप लोग स्मेल मत लो, आप लोग बस देख के चलो। हम खा रहे हैं अच्छे से, मैं तो चाव से खाऊंगी अभी। मैं मस्त पेट भर के खाऊंगी क्योंकि इतने दिनों बाद चिकन बन रहा है। चिकन 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 चिकन। तो खाना खाके तो हो चुका है, तो अभी बना रही हूँ मैं कॉफी। कॉफी पीते हैं उसके बाद काम करते हैं। हमने सोचा कल है हमारी छुट्टी, क्योंकि यहाँ पे मतलब किसी चीज का लक्ष्मी पूजा कुछ तो है, तो उसी चीज का छुट्टी मिला है। तो कल फ्राइडे छुट्टी, सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, और फिर डायरेक्ट मंडे को कॉलेज जाना। तो अभी वहां पे दूध चढ़ा दिया है, मतलब ऑलरेडी उसको उबाल दिया था, क्योंकि ऐसे अगर पैकेट पैकेट में रखते तो सुबह तक फट जाता है। तो अभी कॉफी बनाते हैं, कॉफी पीते हैं, थोड़ा नींद भगाते हैं और काम करते हैं। आज थोड़ा लेट तक काम करेंगे ताकि कल सुबह आराम से उठेंगे, और कल बहुत लोग आने वाले हैं फ्लैट में, तो वो आप लोगों को कल पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, वो सब भी आप लोगों को पता चल जाएगा। प्लस अभी काम करेंगे कॉफी पीने के बाद, और उसके बाद सोते हैं, और फिर कल सुबह उठ के कचरा भी फेंकना है क्योंकि बहुत दिन हो गए, और थोड़ा कचरे फेंकने का जो वो होता है ट्रैक, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है, तो उसको भी बढ़िया करना है अभी। इसलिए आज ब्लैक कलर का गार्बेज बैग खरीद का है, क्योंकि ग्रीन वाले में तो दिख जाता है और बहुत अजीब सा लगता है, तो मैंने बोला कि नहीं ब्लैक वाला लेंगे, उसके अंदर डालते हैं ताकि दिखे नहीं और हमको भी ऑकवर्ड ना लगे कचरा फेंकने में। तो वही चीज है। चलो कॉफी भी आ चुका है, शीट्स भी खुल चुकी है, अब करते हैं काम और फिर जाएंगे सोने। तो मैंने थोड़ा सा कर लिया है काम नए वाले इलस्ट्रेशन पे, और इसको थोड़ा संभाल के देखना पड़ेगा और संभाल के करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें है ब्लैक कलर, और ब्लैक थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ हो गया या उसके ऊपर पानी चला गया और वो फैल गया, तब तो रहन दो, तब आपका इलस्ट्रेशन पूरा गया, तब आपको बहुत ही, इसलिए इस चीज पे बहुत संभाल के काम करना पड़ेगा। प्लस जो इससे पहले वाला इलस्ट्रेशन था उसमें भी मेरा ब्लैक की वजह से थोड़ा फेस का जो चीज है वो थोड़ा इधर उधर हो चुका है, यही रखा था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक कलर वो उसका फेस में थोड़ा सा क्या बोलेंगे ऊपर नीचे हो चुकी है, वो चलो हटाओ। ये वाला मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, नया वाला जो स्टार्ट कर रहा है, कि उसका कितना हुआ है करके। तो ये इतना पूरा हो चुका है, राजस्थान का है ये बेसिकली, इसलिए इसमें थोड़ा ब्लैक टच होना जरूरी है, इसलिए अभी ज़ेब्रा क्रॉसिंग लग रहा है। कल तक देखते हैं क्या कुछ, कल तक नहीं कम्प्लीट वाला मैं अभी नहीं बोलूंगी, बट ये स्टार्ट हुआ है, देखते कब ये कम्प्लीट होता है। और ये गुजरात वाला जो इलस्ट्रेशन है वो हो चुका है कंप्लीट, ये देखिए ये हो चुका है कंप्लीट, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ब्लैक जेल पेन यूज कर लिया था फेस पे, वो चीज बिगड़ गई है। अभी मैं नहीं जानती इसको कैसे सही करूंगी, बट ट्राई करते हैं। बाकी तो ये वाला इलस्ट्रेशन हो चुका है, कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है। ओह मेरे एलिफेंट्स, बूम। और ये वाले में मेरे को ये चीज सही नहीं लग रही है सेंटर का, इसको बैठ के सही करते हैं, थोड़ा सुधारते हैं ताकि देखने में अच्छा दिखे। बाकी इसके बाद मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि आज के लिए बहुत हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, ये वाला चीज भी और कर लिया जितना वो बचा था, उसमें पैलेट में ब्लैक कलर होता। आज के लिए बस इतना ही, अब करेंगे कल, इसको पलट देते हैं। अयो बस आराम से रहना। तो ये वाला व्लॉग भी यहीं पे खत्म करती हूँ गाइज, आई होप यू ऑल लाइक इट, सो प्लीज डू लाइक, comment, share and subscribe to my channel. Bye bye, take care, boom 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 boom.